ऑल ओवर पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब सुनने वाले सभी सामईन को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सॉरी थोड़ी बात इंग्लिश पे एंड माई सेल्फ कॉल सबा गजाली। जनाब आप सुन रहे हैं नई सुबह के प्लेटफॉर्म से रेडियो और सबका साथ, और आज हमारा शो है कुछ डिफरेंट जो कि होता है यूजुअली सेम फॉर्मेट पे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ होती हैं पॉजिटिव सिनेरियोस पे बातें, साथ ही साथ कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशंस और कुछ इडियम्स और कुछ फ्रेजेस। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट स्पीकर। जी हाँ, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक स्पीकर को अपने साथ शामिल किया था, बिल्कुल इसी तरह से आज हमारे पास एक और स्पेशल एजुकेशनिस्ट, स्पेशल इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, और उनका नाम है मिस हलीमा सरवर। सो वेलकम कहते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम सलाम सबा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे बुलाया अपने शो में। हलीमा थैंक यू सो मच, इनफैक्ट कि आप हमारे बुलाने पर जो है वो यहाँ पर फॉरेन से हमारे पास आ गई और हमें जो है वो अपना कीमती वक्त आपने दिया। सो कैसी हैं आप, कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन आपने कैसे गुजारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और वाकई बिल्कुल इस ईयर काफ़ी चेंज रहा है हम सभी के लिए, क्योंकि कोविड और फिर लॉकडाउन वगैरह, तो सबकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई थी। लेकिन जाहिर है कि फिर जो है चीज़ें चलती रहती हैं, तो जब इंस्टीट्यूशंस वगैरह बंद हो गए तो उसके बाद फिर जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, और हमने जो है वो वर्चुअल स्टडीज की तरफ मूव किया और चीजों को ऑनलाइन शिफ्ट किया, तो इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस। यस जनाब, नई सुबह ने भी इसी दौरान में एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कोहोर्ट खत्म हो चुका है, दूसरा कंटिन्यू है, और बहुत कुछ आने वाला भी है नए कोहोर्ट्स में, तो हमारे साथ इन टच रहिए और बिल्कुल मुस्तफीद होते रहिए हमारी मुख्तलिफ चीज़ों से और मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स से। तो हलीमा आप क्या कहेंगे, आपने देखा हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को, विजिट किया आपने हमारी वेबसाइट? जी बिल्कुल सबा, मैंने नई सुबह की वेबसाइट विजिट की और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी मैंने देखा, तो बहुत अच्छी कोशिश है नई सुबह की, कीप इट अप, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और ये है कि बहुत अच्छा है कि एजुकेशन का सिलसिला जो है वो बिल्कुल कभी भी रुकना नहीं चाहिए और वो जारी रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह जिस तरह से अभी हम लोग वर्चुअल की तरफ मूव कर गए हैं, तो सबको जो है वो घर पर ही सीखने का मौका मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें लोग लर्न कर रहे हैं, और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो रुका नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल जनाब, लर्निंग शुड बी इफेक्टिव एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग शुड बी प्रोडक्टिव। सो यही है हमारी जो है वो कोशिश है, वो यही होती है और कोशिश होनी भी यही चाहिए। वेल हलीमा, आज हमारे पास एक आइडिया है बहुत मजे का, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार, तो आपको कैसा लग रहा है ये, कितना मजे का आइडिया है? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। तो ये वाकई बहुत जबरदस्त ईडियम है, एक तीर से दो शिकार जैसे हम कहते हैं, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग इसको यूज भी बहुत कर रहे हैं, और लोग वैसे भी ऐसा बहुत करते हैं, अगर हम इसको देखें ना तो बहुत इस तरह से ही हो रहा होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि जो है वो एक ही काम में मतलब दोनों चीजें और मोस्टली चीजें जो है वो निबट जाएं। बिल्कुल जनाब ऐसा होता है, और जो लोग डिप्लोमेट्स होते हैं वो लोग तो इसको बहुत यूज करते हैं, राइट? जितने हमारे डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे इसको यूज कर रहे होते हैं। सो किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन इज द फर्स्ट ईडियम ऑफ दिस शो। सो और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हलीमा से, हलीमा की एजुकेशन के हवाले से, हलीमा की लाइफ जर्नी के हवाले से। हलीमा आप कब, आपकी विजन का ये प्रॉब्लम हुआ? अच्छा, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, और ये है कि
चेकअप्स वगैरह जब करवाए तो उसमें पता चला कि ऑप्टिक नर्व का इशू था, मींस कि द आईज आर ऑल राइट जैसे डॉक्टर्स वगैरह ने बताया, लेकिन जो रेटिना के टिश्यूज हैं जिनसे ये रोशनी वगैरह विजन क्रॉस करके आई तक आने का उसका पूरा जो वे है, पैसेज है, वो उस पैसेज के टिश्यूज जो है वो नर्व दैट इज वीक, तो उसी की वजह से जो है वो ब्लाइंडनेस का इशू है मेरे साथ। और फिर उसके बाद ये है कि एजुकेशन वगैरह स्टार्ट हुई, तो आइडर यू स्कूल जो यहाँ पर कराची में ही है, स्पेशल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ और मैट्रिकुलेशन तक मैंने यहाँ से एजुकेशन ली। उसके बाद आई मूव टू इंक्लूसिव एजुकेशन और फिर मैंने जो है वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज से इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से आई डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सही, तो इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर्स किया, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है हलीमा, मतलब मैं लिटरेचर पढ़ती हूँ, मैं खुद भी ये सोचती हूँ मतलब इंग्लिश लिटरेचर बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इंटरेस्टिंग तो बहुत है, नो डाउट। सही, तो आपकी जो फेवरेट ब्रांच है लिटरेचर की वो कौन सी है? लिटरेचर की मेरी फेवरेट ब्रांच ड्रामा और फिक्शन है, मतलब मैंने जो है वो ज़ाहिर है हमें सारे ही जॉनरास पढ़ाए जाते हैं लिटरेचर में, पोइट्री भी पढ़ाई जाती है, पोइट्री भी अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट है वो ड्रामा में है और फिक्शन में है। कभी आपने ड्रामा किया है वैसे स्कूल लाइफ से लेके अब तक? ड्रामा किया है खुद से कभी, परफॉर्म किया है स्कूल लाइफ से अब तक? स्कूल में एक दफ़ा बिल्कुल जो है वो परफॉर्म किया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में शायद वाइकिंग डे का कोई था ड्रामा या कुछ था, उसमें जो है वो किया था। और उसके अलावा ये है कि अब जैसे पिछले 5 सालों से मैं डिफरेंट स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में एज अ टीचर इंग्लिश टीचर हूँ, तो वहाँ पर भी जो डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें लाइक स्टूडेंट्स वगैरह को पूरा एक तरीके से जो है वो लीड करना कि वो किस तरह से परफॉर्म करें, और तो ये सब रहता है। वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। वैसे मैंने भी मिस हलीमा के साथ बहुत काम किया है और मतलब जितना मैंने इनको देखा है ये बहुत इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो मिस आप ये बताएं कि आप को पढ़ाने में कभी मुश्किलात होती हैं स्टूडेंट्स को? पढ़ाने में मुश्किलात का ये है कि एक्चुअली शुरू से ही जो मैंने पढ़ाया है तो क्योंकि खुद भी पढ़ा भी है ब्रेल से, जो कि हमारा एक मेथड है जिसके ज़रिए विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का तदरीसी अमल जो है वो जारी रहता है, तो क्योंकि खुद उसी सिस्टम से पढ़ा है और फिर उसके बाद भी जो है वो पढ़ाया भी विजुअली इम्पेयर्ड ही स्टूडेंट्स को है अब तक मैंने, तो मुश्किलात पढ़ाने में तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एट टाइम्स अगर कहीं अवेलेबिलिटी मतलब मटेरियल का कोई अगर इशू आ जाए, अदरवाइज तो ये है कि वैसे चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजेबल रहती हैं एंड इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार। सही, तो ब्रेल बुक्स कितनी हद तक अवेलेबल हैं? अच्छा, ब्रेल बुक्स की जहाँ तक बात है तो हम अब देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो हमारे यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं ब्रेल के रिवाइवल पे, और उन्हीं की काविशों से जो है वो अब मैट्रिकुलेशन तक का और मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत शायद इंटर तक की भी बुक्स जो है वो ब्रेल में अवेलेबल हो गई हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हमारे पास इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो इंटरमीडिएट के लिए नई सुबह ब्रेल लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की नीड हो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लोग 9th में साइंस के नोट्स के लिए परेशान हैं वो लोग हमें साइंस के नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हलीमा साइंस लिखना बहुत मुश्किल काम है और मतलब आई मस्ट से कि बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है साइंस, बहुत लेंथी, और साइंस लिखना, साइंस पढ़ाना विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को मैं समझती हूँ ये भी बहुत ही मुश्किल काम भी है, और ये कि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वर्बली तो उनको समझा तो देते हैं लेकिन ज़ाहिर है कि एट टाइम्स हमें उनको वो दिखानी भी पड़ती हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को किस तरह से वो जो है वो चीज़ें फील करवाई जा सकें और उनको एक एक चीज़ के बारे में इन डेप्थ पूरा बताया जा सके, तो ये वाकई एक बहुत ही
मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, जब मैं साइंस पढ़ाती थी तो कभी कभी मैं उनको चीजें जो है वो विजुअलाइज करवाया करती थी, मतलब इमेजिन करवाती थी मैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, और मतलब ये जो मेमोरी होती है ना ये हमें एक्चुअली बहुत चीजें समझने में मदद देती है। जिसकी विजुअलाइजेशन अच्छी है उसकी जो है वो लर्निंग अच्छी है। बिल्कुल, तो आप क्या समझती हैं कि ब्रेल कितनी सिग्निफिकेंट है हमारे लिए और हमें कितना जो है वो यानी कि सपोर्ट करती है? जी सबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया, और ये वाकई एक बहुत जरूरी है, और ब्रेल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग में। और आजकल ये है कि जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी आ गए हुए हैं ब्रेल के चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे सॉफ्ट कॉपी वगैरह में अवेलेबल होती हैं, तो आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं एट टाइम्स उनके माइंड में ये भी बहुत चीज़ होती है कि जो है वो ब्रेल, क्योंकि डेफिनेटली आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं और उसमें आगे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यही है कि ब्रेल जो है वो क्योंकि हमारा सबसे ट्रेडिशनल एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एजुकेशन हासिल करते हैं, तो मेरा ख्याल में किसी भी और चीज़ को जो है मतलब आप ब्रेल को किसी और चीज से वो नहीं कर सकते, जैसे कि इट्स अ मस्ट कि आपको ब्रेल आनी ही चाहिए। तो मैं यही कह रही थी कि आजकल के जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको इस चीज का थोड़ा होता है कि इतने और इजी वेज निकल आए हैं, चीजें मिल जाती हैं हमें इंटरनेट पे ऑनलाइन या वहाँ, तो आई मीन वाई टू लर्न ब्रेल, और इस ब्रेल लिखने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और ये और वो, तो लेकिन वही बात है कि बहुत ज्यादा ब्रेल जरूरी है क्योंकि इससे इसको जो स्टूडेंट्स अडॉप्ट नहीं करते या जो ये सोचते हैं कि भाई हम सॉफ्ट कॉपी से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम काम चला लेंगे, तो उनको फिर इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हम आजकल देखते हैं कि स्टूडेंट्स की स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब क्योंकि मैं खुद 5 ईयर्स से जो है वो टीच कर रही हूँ और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही हूँ, तो मैंने बहुत ये चीज़ ऑब्जर्व की है, और मैं स्टूडेंट्स को ये कहती भी रहती हूँ कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर स्पेलिंग्स, और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो ब्रेल पढ़ेंगे ब्रेल लिखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा उनकी फिंगर उस चीज़ को फील करेगी, उस वर्ड को पढ़ेगी, वो उस वर्ड को लिखेंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो उनको स्पेलिंग्स वगैरह उनकी इम्प्रूव होंगी और उनको याद रहेंगी स्पेलिंग्स। तो अब हमारे यहाँ पर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है आजकल जैसे अगर मैसेजिंग वगैरह कर रहे हैं कुछ भी है तो मोबाइल वगैरह पे लिख दिया, तो इतना ज्यादा वो इस चीज को कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं बस ठीक है इनफॉर्मल चैटिंग चल रही है या कुछ भी है तो उसमें जैसी भी स्पेलिंग हमने लिख दी, लेकिन कल को व्हेन दे एंटर इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ तो वहां पर जाकर उनको ये चीज रियलाइज करवाई जाएगी, अगर इफ दे डोंट वर्क ऑन देयर स्पेलिंग्स राइट नाउ तो फिर बाद में ये चीज उनको जो है वो लोगों की तरफ से रियलाइज करवाई जाएगी कि योर स्पेलिंग्स आर वेरी वीक। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ब्रेल बहुत जरूरी है और हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो किसी भी चीज को जो है ब्रेल पर हम एटलीस्ट तरजीह नहीं दे सकते। सही, ब्रेल जो है वो एक्चुअली फर्स्ट हैंड लर्निंग है मेरे हिसाब से किसी भी विजुअली चैलेंज पर्सन की। अच्छा, विजुअली चैलेंज से याद आया हलीमा के करेंटली जो सिनारियो है उसमें हमारे पास एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप डिसेबल पर्सन नहीं कह सकते, ये एक नोटिफिकेशन आया है, ये एक बहुत खुशाइन चीज है। बहुत एग्जैक्टली, क्योंकि इससे होता ये था कि लोगों की दिल आजारी भी होती थी और लोग जो है वो बुरा समझते थे और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग समझते थे कि ये कोई काम नहीं कर सकते, तो जब हम इतना सारा काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, इवन समटाइम्स तो मैंने ये भी देखा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं उन लोगों से कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतों से नवाजा होता है। Exactly, that's true, बिल्कुल। So Halima, we have the next idiom right now and that is being tongue-tied. B-E-I-N-G, being T-O-N-G-U-E-T-I-D-E, not having words to express the feelings. This is the next idiom.
यानी कि आपको लफ्जों का ना मिलना, आप इतने दम बखुद हो जाए, इतने हैरान हो जाए, या आपके अल्फाज आपका साथ ना दें, वो सिचुएशन कहलाती है बीइंग टंग टाइड। तो क्या सोचती हैं आप हलीमा इस ईडियम के बारे में? जी बिल्कुल सबा, और वाकई ऐसा होता है हमारे साथ, और खासकर जब ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, गॉड फॉरबिड ऐसे कोई ट्रेजिडीज हो जाती हैं, या कोई बहुत ज्यादा अनफोर्सीन ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें हमारे पास वाकई बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि जो है अल्फाज नहीं है हमारे पास, और अल्फाज हमारा साथ नहीं दे रहे, एंड वी सीरियसली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर फीलिंग। तो बिल्कुल ऐसा होता है हमारे साथ। बिल्कुल, और उसके अलावा जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है हलीमा कि हम एक्सपेक्ट कुछ बहुत बुरा कर रहे होते हैं और कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो उस वक्त भी हम बिल्कुल दम बखुद हो जाते हैं। उस वक्त और भी हमारा यही हाल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो दिस इज ऑल अबाउट बीइंग टंग टाइड। व्हेन आई लिसनड हलीमाज लाइव जर्नी, आई वाज बीइंग टंग टाइड। सो दिस इज Thank you. This is quite amazing. Well, तो हम बात कर रहे थे ब्रेल की, ब्रेल लर्निंग की। तो ब्रेल लर्निंग बहुत जरूरी है लिसनर्स, आप इस बात को जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें और इस पे काम कीजिए, क्योंकि ब्रेल इज सिग्निफिकेंट फॉर आवर लर्निंग, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट हैंड नॉलेज है। अगर हम बिल्कुल इसको नहीं तवज्जो देते तो आप ये सोचें कि जैसे कि जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इंक प्रिंट से पढ़ते हैं या जो कंप्यूटर पे देख के पढ़ रहे हैं, हम तो सुन के पढ़ रहे हैं ना, तो जो लोग देख के पढ़ रहे हैं तो वो लोग अपने फर्स्ट हैंड जो उनका उजू है लर्निंग का, यानी कि उनकी आंखें, वो उसको यूटिलाइज करें। तो जो आपका उजू है वो है आपके हाथ। योर हैंड इज द प्राइमरी सोर्स फॉर फर्स्ट हैंड लर्निंग। तो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न ब्रेल एंड टू लर्न इफेक्टिवली। तो जनाब, आपकी स्पेलिंग्स के लिए ब्रेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनफैक्ट किसी चीज को मेमोराइज करने के लिए भी ब्रेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब कहीं आपको प्रेजेंटेशन देनी हो तो भी आपके लिए ब्रेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हर जगह अपना लैपटॉप नहीं ले जा सकते। बिल्कुल सभा, आपने बिल्कुल सही बात की कि जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं या कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि हमें रीड करना है कहीं पर, उसके लिए वाकई ब्रेल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझती हूँ कि ब्रेल से ज्यादा बेहतर उसके लिए कोई मेथड हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आप कितनी भी कोशिश कर ले सॉफ्ट कॉपी से कुछ भी आप जो है वो पढ़कर रीड आउट करने का, लेकिन जाहिर है कि आप वो लिसनिंग से करेंगे तो आपको आपका स्क्रीन रीडर पढ़ के सुनाएगा, एंड देन आप आगे उसको जो है वो अपनी ऑडियंस तक या जहां पर भी आपको रीड करना है वहां रीड कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, और आप जो है वो फ्लुएंसी के साथ तो ये काम बिल्कुल कर ही नहीं सकते, लेकिन ब्रेल एक ऐसा मेथड है, आप उसके अंदर जितना ज्यादा अपनी रीडिंग वगैरह में फ्लुएंसी लाएंगे उतना ही ज्यादा जो है वो आप कहीं पर भी किसी भी फोरम पे कुछ रीड करना पड़ जाए, किसी कहीं पर प्रेजेंटेशन आपको रीड करनी पड़ जाए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये जो है वो रीड कर सकते हैं वहां पर। बिल्कुल जनाब। तो हलीमा, अब हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें लर्नर्स को कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर्स को स्पेशली, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो है वो हर चीज को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और स्टूडेंट्स को भी बाज़ दफ़ा सही गाइडेंस नहीं मिल रही होती, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ इस वक्त, और मतलब मुझे भी बहुत सारी मुश्किल होती हैं लर्नर्स के हवाले से, क्योंकि समटाइम्स वो चीजों को सीरियस नहीं लेते, तो उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रेज किया है। वाकई इसी तरह ही होता है कि लर्नर्स भी और एट टाइम्स इंस्ट्रक्टर्स भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को लाइटली ले रहे होते हैं, तो जिसका ये कि लर्नर्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है लेटर इन लाइफ। तो मैं दोनों ही के लिए अपना मैसेज देना चाहूँगी, सिंस आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा ब्रेल की सिग्निफिकेंस के हवाले से था, तो लर्नर्स के लिए तो मैं यही कहूँगी, जैसे हमने थ्रू आउट प्रोग्राम में बात भी की कि ब्रेल आपका सबसे प्राइमरी जो है वे ऑफ लर्निंग है, तो इसको तो आपने बिल्कुल भी किसी और चीज़ को इस पर प्रेफरेंस देनी नहीं है कि आपको जो है वो ब्रेल का कोई भी ऑल्टरनेटिव मिल गया है, चाहे आपके पास कितने भी मीन्स हो, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है वो ब्रेल को आपने जरूरी सीखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
और इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि कोई भी लर्नर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इंस्ट्रक्टर्स की बात है तो इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं यही जो है वो मैसेज दूंगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें। और क्योंकि मेरे साथ खुद भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेल के लिए नेगेटिव सा व्यू रखते हैं टाइम्स, और अगर उनको हम ज़्यादा इस तरफ लाने की कोशिश करें तो वो थोड़ा सा एजिटेशन भी शो करते हैं कि ये टीचर पता नहीं हमें क्यों ये कह रहे हैं और ये तो बहुत ही बैकवर्ड हैं और हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ आप जितना भी आगे बढ़ना चाहें ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ब्रेल को ना छोड़ें और अपने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करें कि वो जो है वो ब्रेल सीखें। और जहाँ पर आपके स्टूडेंट्स की कोई जहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर लाइक आप जो है रीडिंग और राइटिंग उनकी जो है वो डेली बेसिस पे आप जरूर इसको चेक करें उनको, आप लोग जिस तरह से होमवर्क्स वगैरह दिए या इस तरह से, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ब्रेल बुक्स को और उनकी राइटिंग भी इससे इम्प्रूव हो। तो जितना हो सके इसके ऊपर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करें ताकि उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो सके, और जहाँ पर भी उनके एरर्स हैं तो वो आप जो है वो उनको गाइड करते रहें ताकि उनको आपकी गाइडेंस से हेल्प मिल सके टू इम्प्रूव देयर ब्रेल। बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच हलीमा फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने हमें इतना। माय प्लेजर, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन सबा, एंड आज ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ब्रेल पर बात की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरा जो शो होता है वो होता है यूजुअली इंग्लिश पे, तो इंग्लिश को सीखने में और इंग्लिश पे बात करने के लिए ब्रेल पे बात करना बहुत जरूरी थी। बहुत अच्छा मिस हलीमा का जो है वो ओवरऑल हमारे साथ आज रहा, और मिस ने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, और शी इज़ डूइंग यू नो ग्रेट जॉब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो हम इनको विश करते हैं गुड लक फॉर हर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपको जरूर बुलाएंगे, आपसे फिर बात करेंगे किसी और चीज पे। बहुत अच्छा टाइम आपके साथ रहा। जी सबा, सेम हियर, और बिल्कुल आई वुड लव टू कम अगेन, और आज की हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी रही एंड बहुत प्रोडक्टिव भी थी, एंड आई होप कि लोगों को इससे बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू सो मच हलीमा। सो लिसनर्स, ख्याल रखिए अपना भी और अपने चाहने वालों का भी। इसी के साथ ही हमारा शो खत्म हुआ, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।